रिंकू सिंह सूर्य कुमार यादव की T20 के पांचवे मुकाबले में इतनी खतरनाक बैटिंग को देखकर महेंद्र सिंह धोनी और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपने आप को रोक नहीं पाए और आखिरकार स्टेडियम में पहुंच गए। मैच चलता रहा और महेंद्र सिंह धोनी और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जी हाँ, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को बधाई देने के लिए चले गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सभी लोगों की आंखें खुली खिलखुली रह गई कि आखिरकार एक छोटे क्रिकेटर के लिए यानी कि रिंकू के लिए माही भाई खुद चलकर के आए हैं उनसे मिलने के लिए। आपको पूरा का पूरा लाइव वीडियो दिखाएंगे और कैसे रिंकू सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी जी का सम्मान किया, ऐसे भागते गए जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास जाता है। रिंकू सिंह ऐसे भागते गए और माही भाई के तुरंत पैर छुए और महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। आपको पूरा का पूरा लाइव वीडियो दिखाएंगे, रोमांचक वीडियो दिखाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आप सभी को बता दूं कि रिंकू सिंह की ऐसी दरिया दिली देखकर आपके भी आंख से आंसू छलक जाएंगे। रिंकू सिंह वो चट्टान है जो महेंद्र सिंह धोनी का दूसरा रूप है। आप सभी को बता दूं कि रिंकू सिंह की वजह से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 की 5 सीरीज यानी कि 4 सीरीज भारत जीती है, क्योंकि रिंकू सिंह तीसरे मुकाबले में नहीं खेले थे, उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था, तभी सूर्य कुमार यादव हार गए थे और सूर्य कुमार यादव खुद समझ गए थे कि अगर मुझे अपनी कप्तानी में कोई मैच जीतना है तो रिंकू सिंह को जरूर खिलाना है। आप सभी को बता दूं कि रिंकू सिंह काफी ज्यादा खतरनाक और बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज है। यह मुकाबला लाइव जिसने देखा उसकी आंखें खुली रहेंगी। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5वीं T20 का जब सिक्का उछाला गया तो सिक्का हालांकि फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाकर गिरा, लेकिन टॉस का पक्ष में जाकर के गिरने से कुछ यह नहीं होता कि आप मुकाबला जीत ही जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि भारतीय टीम में एक ऐसी चट्टान है जिसका नाम है रिंकू, एक ऐसी आंधी है जिसका नाम है रिंकू, एक ऐसा तूफान है जिसका नाम है रिंकू, और उसके अगर बाद में है तो है वो कप्तान सूर्य कुमार यादव। अगर आप लोग इन दोनों से बच गए तो सबसे बच गए। अगर ये दो बंदे एक बार पिच पर टिक गए, चल गए, तो अकेले ही छक्के 24 की बारिश कर देते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम इन दोनों के सामने धुआं धुआं हो गई और मैं आपको बता दूं इनके सामने पानी भरते हुए नजर आई। आखिरकार जो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बॉल डालूं तो डालूं कहां पर, तो रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव हर एक बॉल पर चौका छक्का जड़ रहा है। आप सभी को बता दूं कि रिंकू सिंह वो चट्टान है जिसको देखने के लिए माही भाई खुद चल करके आए और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। जब महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर के तुरंत से भाग कर जो है रिंकू सिंह ने पैर छुए तो सूर्या की आंखें फटी फटी रह गई, सूर्य कुमार यादव ने भी फिर जाकर के पैर छुए और माही ने क्या कहा आपको बता दूं, बता ही देता हूं। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, बेटा रिंकू तुम ऐसे ही खेलते रहो, आगे चलकर आज तुम मेरा और सचिन सर का रिकॉर्ड तोड़ोगे, ये मैं दावा करता हूं। इतनी बात सुनकर रिंकू की आंख से आंसू छलकाए और तुरंत ही माही के गले